नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम क्लास 11th का एक्सरसाइज 5G का क्वेश्चन नंबर 20 से करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 तक देख लेते थे, आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले इस वीडियो को जाकर देखिए, तभी एक्सरसाइज आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें कह रहा है कि इफ मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू 6 दिया गया है एंड आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू 3/4 दिया गया है, देन फाइंड जेड। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर गिवन लिखेंगे, गिवन मॉड जेड इक्वल टू 6। और ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छा से कीजिएगा। अब देखिए, आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ जेड को हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। थीटा का वैल्यू कितना है, 3π/4 दिया गया। ओके, थीटा का वैल्यू कितना दिया गया, 3π/4 दिया गया। तो हम लोग कह रहा है, पूछ रहा बताने के लिए कि जेड का वैल्यू क्या होगा, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोगों को फाइंड करना है। तो लिखेंगे वी नो दैट। देखिए, जो लोग पोलर फॉर्म पढ़े हुए, तो जेड इक्वल टू क्या होता है, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है कि नहीं। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग पोलर फॉर्म में लिखते हैं तो क्या होता है, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है ना। अब जब इस वैल्यू को पुट कर दिए दोस्तों, देखिए ये जो मॉडुलस का वैल्यू 6 है, तो मॉडुलस को हम लोग आर से भी इंडिकेट करते हैं, यानी आर का वैल्यू क्या है, 6 है। ओके, मॉडुलस को हम लोग मॉड जेड से या आर से भी इंडिकेट करते हैं, हम लोग पोलर फॉर्म में देखे थे। तो देखिए, ये जेड इक्वल टू आर के जगह पर हो गया 6, ये कॉस थीटा के जगह पर हो गया 3π/4 प्लस ये हो जाए आई साइन, ये 3π/4 क्या किए, आर थीटा के वैल्यू हमने दोस्तों इसमें पुट कर दिए। आगे देखिए, यहाँ पे तो जेड इक्वल टू हो जाएगा 6 टाइम्स। अब देखिए, कॉस थ्री पाई बाय फोर का वैल्यू दोस्तों हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे, तो कॉस 3π/4 के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेंट को यहाँ पर समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे, ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है हम लोगों को फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, यहाँ पे देखिए 0 होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है और ये होता है 3π/2 होता है। इसमें देखिए ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होता है और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सारा नेगेटिव होता है। ओके, जैसे इसमें साइन कॉस पॉजिटिव, बाद बाकी सारा नेगेटिव हो जाए। अब यहाँ आप समझिए कि 3π/4 का मतलब कितना हो जाए। देखिए 3π/4 का मतलब हो गया, देखिए यहाँ पे 3π/4 का मतलब पहले समझिए, तो 3 × π का मतलब 180/4 कैंसिल कीजिए, 4 × 4 = 4, 5 = 5, तो 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12, यानी 135 डिग्री हो गया। अब दोस्तों देखिए, 135 किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा बताइए, इसका वैल्यू है 90 डिग्री और यहाँ पे 180, तो 90 और 120 के बीच में ही 135 होता है ना। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट बिलोंग करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करने का मतलब है कि जैसे इसमें इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, देखिए कॉस क्या होता है, कॉस होता है नेगेटिव होता है और साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर देखिए कि कॉस 3π/4 को हम लोग क्या ले सकते हैं, कॉस ये पाई माइनस पाई बाई फोर लिख सकते हैं ना। देखिए इसको सॉल्व कीजिए, फोर पाई में से पाई जाए कितना, 3π/4 हो गया, प्लस इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं आई साइन, ये हो जाएगा पाई माइनस पाई अपॉन फोर। ओके, अब देखिए यहाँ पे, तो जेड इक्वल टू हो जाएगा 6। देखिए कॉस पाई माइनस थीटा, देखिए दोस्तों यहाँ पे कॉस पाई माइनस थीटा करेंगे तो पाई में जैसे हम लोग माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस नेगेटिव होता है, ये हो जाएगा हम लोग को माइनस कॉस पाई अपॉन फोर और ये हो जाएगा आई साइन, देखिए आई एजिटिव रहेगा प्लस में और साइन पाई माइनस पाई अपॉन फोर, साइन पाई, देखिए पाई में से माइनस करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो हो जाएगा साइन पाई बाई फोर। ओके, अब आगे देखिए यहाँ पे, अब इस साइन को इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, तो जेड इक्वल टू हो जाएगा 6 या माइनस, देखिए कॉस पाई बाई फोर, कॉस पाई फोर का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 प्लस ये आई इंटू, ये हो जाएगा साइन पाई फोर का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। ओके, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जेड इक्वल टू 6 टाइम्स माइनस 1/√2 प्लस ये 1/√2 और ये हो गया आई ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो ये हो जाएगा जेड इक्वल टू 6 टाइम्स, देखिए इसका रूट टू तो इसका एलसीएम हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 1 प्लस ये आई। ओके, आगे देखिए,
तो सिक्स को हम लोग क्या ले सकते हैं, थ्री इंटू टू लिख दिए और यहाँ पे माइनस वन प्लस आई अपॉन में रूट अंडर टू लिख दिए, एक ही बात है। अब इस टू को हम लोग क्या स्प्लिट करें, रूट टू इंटू रूट टू लिख देंगे। तो देखिए जेड इक्वल टू सिक्स टाइम्स, सॉरी जेड इक्वल टू ये थ्री इंटू ये रूट टू इंटू रूट टू और ये माइनस वन प्लस आई अपॉन में ये रूट अंडर टू, ये रूट टू से रूट टू यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ओके अब आगे देखिए यहाँ पे, अब इस साइज को हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जेड इक्वल टू हो जाएगा थ्री रूट अंडर टू या माइनस वन प्लस आयोटा। ओके तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों को समझ में आ गया होगा, 20 का आंसर कितना है थ्री रूट अंडर टू और यहाँ पे माइनस वन प्लस आई। और ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इसको आप लोग अच्छा से कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ माइनस टू आई। प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोलिए, आर्गुमेंट बोलिए एक ही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट मतलब है कि थीटा का वैल्यू हम लोग का निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए कि यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, माइनस टू आई दिया गया है। तो माइनस टू आई हम लोगों को दिया गया, इसका हम लोग क्या है आर्गुमेंट निकालना है। तो यहाँ पर देखिए रियल पार्ट तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, इसको हम लोग क्या करेंगे, रियल पार्ट यहाँ पे जीरो और ये इमेजिनरी पार्ट एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर दे, जीरो माइनस टू आई हो गया। ओके आगे देखिए, अब इससे आगे देखिए यहाँ पे देखिए रियल पार्ट को हम लोग एक्स इंडिकेट कर दें तो एक्स इक्वल टू कितना है जीरो एंड वाई इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट का वैल्यू कितना है माइनस टू है। ओके अब देखिए आर्गुमेंट निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोग अल्फा निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि टेन अल्फा इक्वल टू क्या होता है मॉड में वाई अपॉन एक्स होता है। आगे देखिए कि टेन अल्फा इक्वल टू मॉड वाई, वाई का वैल्यू कितना माइनस टू अपॉन में एक्स का वैल्यू कितना जीरो। देखिए टेन अल्फा इक्वल टू मॉड, देखिए किसी भी नंबर को जीरो से हम लोग डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा इन्फिनिटी। अब देखिए टेन केस में इन्फाइनाइट किसका वैल्यू होता है 90 डिग्री का, वो जानते हैं कि टेन अल्फा इक्वल टू होता है टेन पाई अपॉन में टू। ओके अब देखिए यहाँ पे ये टेन से टेन क्या होगा एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ से अल्फा का वैल्यू कितना मिल गया पाई अपॉन टू मिल गया। ओके अब दोस्तों देखिए जो हम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर आया था ये क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसका साइन क्या है यहाँ पे देखिए एक्स क्या है पॉजिटिव है और वाई क्या है नेगेटिव है, यानी कि प्लस और ये माइनस है। एक्स का वैल्यू पॉजिटिव वाई का वैल्यू नेगेटिव, अब देखिए एक्स का वैल्यू पॉजिटिव वाई का वैल्यू नेगेटिव है इसका मतलब देखिए किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है दोनों पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस होता है, थर्ड में क्या होता है माइनस माइनस, थर्ड क्या होता है फोर्थ क्या होता है प्लस माइनस होता है। यहाँ पे क्या है प्लस माइनस है, यानी कि जेड किस क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, जेड लाइक कर रहा है किस क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पे कि सिंस, लिखेंगे सिंस जेड लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, देखिए जेड फोर्थ क्वाड्रेंट लाइज करेगा इसका मतलब क्या हो गया कि थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस अल्फा हो जाएगा। लिखेंगे देयरफॉर थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा, यानी आर्गुमेंट का वैल्यू होगा माइनस ऑफ अल्फा, यानी कि थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा का वैल्यू कितना पाई अपॉन टू, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा माइनस पाई अपॉन टू। तो आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में ये दिया गया राइट द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आई रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर। प्रिंसिपल आर्गुमेंट मतलब हो गया थीटा का वैल्यू उन्होंने निकालना है और कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया 1 प्लस आई रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर। देखिए 1 प्लस आई रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं दिया गया पर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू वन इंटू आई रूट अंडर 3। ओके आगे देखिए यहाँ पे वन का स्क्वायर वन प्लस ये हो गया आई स्क्वायर इंटू रूट थ्री का स्क्वायर हो जाएगा थ्री प्लस ये टू रूट अंडर 3 और ये आई हो गया। ओके आगे देखिए ये हो जाएगा वन, देखिए आई स्क्वायर का वैल्यू था माइनस वन तो ये हो जाएगा थ्री में आई स्क्वायर का वैल्यू हो गया माइनस वन, तो यहाँ पर लिखिए ये माइनस वन इंटू ये थ्री हो गया प्लस टू रूट अंडर 3 और ये आई। देखिए वन तो एज इट इज आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन इंटू थ्री प्लस टू रूट अंडर 3 आई। आगे देखिए ये वन माइनस थ्री प्लस ये टू रूट अंडर 3 और ये आई हो गया। नेक्स्ट स्टेप देखिए तो वन माइनस थ्री जाएगा तो जाएगा माइनस टू प्लस टू रूट अंडर 3 और ये आई। ओके अब यहाँ पे देखिए रियल पार्ट यहाँ पे कितना है माइनस टू और इमेजिनरी पार्ट कितना है टू रूट अंडर 3, तो लिखेंगे हियर एक्स इक्वल टू माइनस टू एंड वाई इक्वल टू हो जाएगा टू रूट अंडर 3। ओके
लिखेंगे वी नो दैट देखिए टेन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड में ये y अपॉन में x हो जाएगा। ओके आगे देखिए तो हो जाएगा टेन अल्फा इक्वल टू मॉड में y, y का वैल्यू कितना 2√3 अपॉन में x, ये माइनस टू, ये 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा टेन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा मॉड में माइनस रूट अंडर 3। और देखिए मॉड से किसी भी नंबर को हम लोग बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव भी क्या हो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव ही रहेगा, यानी कि टेन अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट अंडर 3। अब देखिए टेन के केस में रूट 3 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 60 डिग्री का, टेन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा टेन पाई अपॉन 3, ये 10 से 10 एलिमिनेट हो जाएगा, यानी अल्फा का वैल्यू कितना मिल गया हम लोगों को पाई अपॉन 3 मिल गया। अब देखिए जो हम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म आया था किस स्क्वायर में बिलोंग करेगा, देखिए यहाँ पे ये हम लोग सॉल्व किए थे माइनस 2 प्लस 2√3 आया, तो यह है एक्स का वैल्यू है निगेटिव और वाई का वैल्यू क्या है पॉजिटिव। देखिए एक्स का वैल्यू निगेटिव वाई का वैल्यू पॉजिटिव किस स्क्वायर में बिलोंग करता है, देखिए यहाँ पे एक्स का वैल्यू निगेटिव वाई का वैल्यू पॉजिटिव सेकंड क्वार में बिलोंग करता है, सेकंड क्वार में बिलोंग करता है थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। ओके देखिए यहाँ पे लिखेंगे सिंस जेड लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, जेड लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट देयरफॉर थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। ओके थीटा इक्वल कितना हो जाएगा पाई माइनस अल्फा हो जाएगा, यानी कि देखिए थीटा इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 3, ये पाई माइनस अल्फा का वैल्यू कितना पाई बाई 3, इसका एलसीएम ले लीजिए 3, ये हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई, यानी कि 2 पाई बाई 3 इसका फाइनल आंसर होगा। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया राइट माइनस 9 इन पोलर फॉर्म, माइनस 9 को हम लोगों को पोलर फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए कह रहा है, तो देखिए यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट तो यहाँ पे है नहीं, तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर जानते हैं कि x प्लस आयटा वाई होता है, तो रियल पार्ट यहाँ पे है माइनस 9 प्लस इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे 0 इंटू आई इसको लिखनी है, यहाँ लिखेंगे हियर x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू माइनस 9, तो x का वैल्यू कितना माइनस 9 एंड y का वैल्यू कितना है 0 है। अब लिखेंगे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पोलर फॉर्म के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे मॉडुलस पहले निकालेंगे, तो लिखेंगे देयरफॉर मॉड जेड इक्वल टू कितना होता है रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी कि माइनस 9 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0 का स्क्वायर, यानी कि मॉड जेड जिसको हम लोग आर भी बोलते हैं या इसको आर भी लिख सकते हैं, आर इक्वल टू रूट अंडर हो जाएगा माइनस 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और ये प्लस 0, यानी कि रूट अंडर 81 का वैल्यू क्या हो जाएगा 9। वैसे दोस्तों देखिए रूट से बाहर निकले तो प्लस माइनस दोनों होगा, लेकिन मॉडुलस का भी नेगेटिव नहीं होता, इसीलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा पॉजिटिव 9 होगा। ओके अब आर्गुमेंट निकालने के लिए हमें पहले अल्फा निकालना पड़ेगा, तो लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट देखिए हम जानते हैं कि टेन अल्फा इक्वल टू क्या होता है मॉड में ये वाई अपॉन एक्स होता है। ओके आगे देखिए तो यानी कि टेन अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा टेन अल्फा इक्वल टू मॉड वाई का वैल्यू, देखिए वाई का वैल्यू कितना है 0 है, y का वैल्यू कितना 0 और x का वैल्यू कितना माइनस 9, तो हो जाएगा 0 अपॉन में माइनस 9, तो टेन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 0 अपॉन समथिंग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि टेन अल्फा का वैल्यू हम लोग को मिल गया 0। हम लोग जानते हैं कि टेन के केस में 0 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, हम लोग जानते हैं कि टेन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा टेन 0 डिग्री, ये 10 से 10 एलिमिनेट हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू कितना मिल गया दोस्तों हम लोगों को 0 डिग्री मिल गया, अल्फा इक्वल टू क्या मिल गया 0 मिल गया। अब यहाँ पे देखिए जो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए थे उसका साइन क्या है, देखिए x का वैल्यू क्या है नेगेटिव एंड y का वैल्यू क्या है पॉजिटिव, तो माइनस कॉमा प्लस है, तो देखिए माइनस कॉमा प्लस का मतलब है सेकेंड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे देखिए एक्स का वैल्यू पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पे देखिए एक्स का वैल्यू नेगेटिव वाई का वैल्यू पॉजिटिव, देखिए एक्स का वैल्यू नेगेटिव वाई का वैल्यू पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आप थीटा इक्वल टू क्या होता है पाई माइनस अल्फा होता है। यहाँ पे लिखेंगे सिंस जेड लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सिंस जेड लाइज इन सेकंड कैसे पता चला सेकंड क्वाड्रेंट में है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू देखिए नेगेटिव है वाई का वैल्यू क्या पॉजिटिव है इसलिए, ठीक है, तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या होता है पाई माइनस अल्फा होता है, यानी कि थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा का वैल्यू कितना 0, यानी कि थीटा इक्वल टू हम लोग को मिल गया पाई मिल गया। ओके थीटा इक्वल क्या मिल गया पाई मिल गया। अब लिखेंगे देयरफॉर पोलर फॉर्म, देयरफॉर पोलर फॉर्म क्या होता है
पोलर फॉर्म होता है आर, ये कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, पुट कर दीजिए यहाँ पे, आर का वैल्यू है 9 और यहाँ पे हो जाएगा कॉस पाई प्लस आई साइन पाई, थीटा की जगह कितना पाई पुट कर दी, ये इसका दोस्तों फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 23 का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। अब देखिए यहाँ पे 24 कह रहा है कि राइट 2i इन पोलर फॉर्म। अब यहाँ पे देखिए इमेजिनरी पार्ट हम लोग दिया, रियल पार्ट यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पे ये 0 प्लस इसमें 2i लिख दिए क्योंकि रियल पार्ट यहाँ पर नहीं कुछ था, यहाँ पे 0 लिख दिए। अब यहाँ पे लिखिए हियर x इक्वल टू 0 है एंड y इक्वल टू, y क्या था इमेजिनरी पार्ट यानी कि 2। अब यहाँ हम लोग क्या करें, पहले मॉडुलस निकालें, लेकिन देयरफॉर मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू रूट अंडर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर या रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट है 0 का 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस ये 2 का स्क्वायर, यानी मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू रूट अंडर 4, यानी कि मॉड z या r का वैल्यू कितना मिल गया हम लोगों को, 2 मिल गया। आर के वैल्यू कितना मिल गया दोस्तों, 2 मिल गया। ओके अब यहाँ से देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे, टेन अल्फा का वैल्यू निकालेंगे। देखिए हम जानते हैं अल्फा का वैल्यू निकालेंगे, सॉरी टेन अल्फा इक्वल टू क्या होता है, मॉड में वाई अपॉन में एक्स। तो टेन अल्फा इक्वल टू मॉड वाई, वाई का वैल्यू कितना है 2 अपॉन में एक्स का वैल्यू कितना 0, तो 2 अपॉन 0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके 2 अपॉन 0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कि टेन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा टेन, टेन के इसमें इनफाइनाइट कितना डिग्री होता है, पाई बाई 2 का, तो ये टेन से टेन एलिमिनेट हो जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू क्या मिल गया, पाई अपॉन 2। ओके अल्फा का वैल्यू कितना मिल गया, पाई अपॉन 2। अब देखिए यहाँ पे कि जो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे थे ए प्लस आई वी के फॉर्म में, किस क्वार में बिलोंग कर रहा है, देखिए एक्स है पॉजिटिव और वाई है पॉजिटिव, एक्स का वैल्यू पॉजिटिव वाई का वैल्यू पॉजिटिव। अब दोनों साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। देखिए यहाँ पे दोनों साइन पॉजिटिव है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, थीटा का वैल्यू वही होगा जो अल्फा का वैल्यू होगा, यानी कि अल्फा थीटा हम लोग कितना मिल गया, पाई अपॉन 2 ही मिल जाएगा। देखिए नेक्स्ट पेज में इसका, अब देखिए यहाँ पे लिखें सिंस जेड लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट देयरफॉर थीटा इक्वल टू अल्फा, तो थीटा इक्वल टू अल्फा का वैल्यू कितना है, पाई अपॉन 2। तो ये दोस्तों इसका आर्गुमेंट हो गया। ओके अब हम लोग क्या करें, यहाँ पे लिखें देयरफॉर पोलर फॉर्म, हम लोग निकालना है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या होता है, आर ये कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, आर का वैल्यू कितना आया था, 2 आया था, और ये हो जाएगा कॉस पाई अपॉन 2 प्लस आई साइन पाई अपॉन 2। ठीक है दोस्तों, इसका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 24 का। अगर दोस्तों सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया, कहीं भी डाउट हो तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, वीडियो अच्छा लगे मेरे पढ़ने के तरीके यदि आप लोग पसंद आया तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि वीडियो आप लोग कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।